बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कमरान मेमन बावानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान एसोसिएशन का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहां पर रिसर्च शेयर करते हैं इसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखा जाए तो आज भी मार्केट का व्यू पॉजिटिव रहा, जैसे कल की वीडियो में बताया गया था और फोरकास्ट की गई थी कि मार्केट का व्यू पॉजिटिव है। मार्केट आज के दिन भी पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने पॉजिटिव परफॉर्म किया। इसके अलावा वीक स्टार्ट होने से पहले आपको बताया गया था कि मार्केट 46,500 से लेके मार्केट 47,000 का टारगेट अचीव करेगी। आज दूसरा यानी कि मार्केट का सेकेंड डे था आज मार्केट का 46,500 की तरफ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने देखा 46,369 का हाई बना इंडेक्स का। इंडेक्स पॉजिटिव स्टार्ट हुआ और इंडेक्स ने हाई लिया 46,369 का। हमने देखा कि मार्केट क्लोज हुई 46,300 कह रहा हूँ। ओवरऑल मार्केट इस दौरान मार्केट ने शॉर्ट करेक्शन भी ली, एडजस्टमेंट भी ली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट की क्लोजिंग 46,300 से ऊपर रही 203 पॉइंट प्लस के साथ। इसके अलावा पीपीलीपी डेटा में कंपनीज, बैंक, म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी, इंश्योरेंस की सेलिंग रही, जबकि इनके अगेंस्ट फॉरेनर्स, इंडिविजुअल ब्रोकर्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइक साइड पर रहे। इसके अलावा अगर हम स्टॉक परफॉर्मेंस के ऊपर एक नज़र डालें तो स्टॉक परफॉर्मेंस में आज सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर आपका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता रहा, जबकि बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव साइड पर रहा। इसके अलावा ऑटो में पीएसएमसी, अलगाजी ट्रैक्टर, गेल, दीवान फारूक मोटर, जीएचएनआई पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे। इसके अलावा स्टील सेक्टर भी आपका बेहतरीन रहा। फूड सेक्टर में यूनिटी ने एक बेहतरीन अपसाइड ली। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल आपका प्रॉफिटिंग में रहा, जबकि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में देखा जाए तो नेटसोल सिस्टम, हम नेटवर्क, टेलीकार्ड बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आए। ओवरऑल मार्केट बेहतर रही, मार्केट ने पूरा मौका दिया इंडेक्स के लिहाज से, स्टॉक के लिहाज से अपसाइड का और प्रॉफिटिंग करने का भी पूरा मौका दिया। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो वर्ल्ड मार्केट आपके प्लस साइड पर है, पॉजिटिव साइड पर है। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। इसके अलावा अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल आपका जो है आज भी प्लस में है, $66.24 के करीब ट्रेड हो रहा है, 17 सेंट का इजाफा हो चुका है। इसके अलावा ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से टेक्निकल ग्राफ के ऊपर आपको बात की गई थी कि मार्केट न्यू हाई ब्रेक करेगी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से पहला टारगेट हिट हो चुका है 46,000 और इंशाल्लाह अनकरीब 46,500 का टारगेट हिट होगा और जो थर्ड टारगेट होगा 47,000 का होगा। इंशाल्लाह ये अचीव होंगे क्योंकि टेक्निकल ग्राफ आपके माशाल्लाह से पॉजिटिव है और मार्केट आपकी बुलिश ट्रेंड की तरफ है, यानी मार्केट आपकी हाईली पॉजिटिव है, अपसेट के लिए क्लियर है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कल की मार्केट के हवाले से। कल की मार्केट को डिस्कस करने से पहले हम हमेशा आपको बताते हैं कि मार्केट ने कितने परसेंट रिकवरी ली या कितने परसेंट मार्केट करेक्शन कर चुकी है। देखा जाए तो मार्केट इस वक्त 165% की रिकवरी डन कर चुकी है, 45,518 का लो बनाया था इंडेक्स ने और इंडेक्स वहां से बाउंस बैक हुआ 46,369 के करीब, 165% की रिकवरी इंडेक्स डन कर चुका है। इसके अलावा इंडेक्स लूज हुआ है 46,300 के अराउंड, फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया 46,600 है, सेकंड रेजिस्टेंस एरिया 46,900 है और थर्ड रेजिस्टेंस एरिया 47,200 है। इसी तरीके से सपोर्ट एरिया 46,000 फर्स्ट सपोर्ट एरिया है, सेकंड सपोर्ट एरिया 45,700, थर्ड सपोर्ट एरिया 45,400 का लेवल है। रोल ओवर में अगर देखा जाए, रोल ओवर और फ्यूचर वीक क्लोजिंग में देखा जाए तो नेक्स्ट 3 डेज रह गए जिसमें 2 दिन मार्केट बेहतर परफॉर्म कर चुकी है और इंशाल्लाह आगे भी यही एक्सपेक्ट करेगा मार्केट बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। इसके अलावा वीकली अगर क्लोजिंग की बात करें तो वीकली क्लोजिंग में 385 पॉइंट अब तक मार्केट गेन कर चुकी है। इसके हिसाब से अगर हम मंथ की बात करें तो मंथ में अल्हम्दुलिल्लाह मई के मंथ में 2038 पॉइंट का गेन अब तक मार्केट कर चुकी है और क्वार्टर बेसिस पे 1712 पॉइंट प्लस में मार्केट ट्रेड हो रही है। इंडेक्स की शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम बात करें तो इंडेक्स की जो शॉर्ट ग्राफ है हाईली पॉजिटिव है अपसाइड के लिए और आज भी माशाल्लाह से बेहतरीन मूव दिखाई मार्केट ने और मार्केट टोटल हाई साइड के करीब क्लोज रही। कल ये भी पॉसिबल है कि मार्केट आपकी जो है हाई साइड पर ओपन हो सकती है और हाई साइड से आपको प्रॉफिट टेकिंग नजर आ सकती है, जैसे कि कोई नेगेटिव या कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर मार्केट का जो पहला जो यहाँ पे जो मार्केट रुक सकती है वो 46,500 है। जैसे ही इंशाल्लाह इसको ब्रेक करेगी देन हम मजीद देखेंगे कि मार्केट न्यू हाई रिकॉर्ड करेगी 46,600 से लेके 900 के एरिया तक। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से इंडेक्स आपका पॉजिटिव है, 46,500 ब्रेक करने के बाद हम देखेंगे मजीद तेजी हाई साइड की तरफ से देख सकते हैं, लेकिन
कल आपने करना ये होगा कि 40 मार्केट का जो शॉर्ट एंड लॉन्ग ग्राफ हाईली पॉजिटिव है और मार्केट इंशाल्लाह न्यू हाई रख सकती है, जैसे कि हम मुसलसल आपको बताते जा रहे हैं कि मार्केट का व्यू पॉजिटिव है और मार्केट 46,500 आगे चल के मार्केट 47,000 का लेवल ब्रेक करते हुए नजर आएगी। तो इसलिए ये कि मार्केट बीच बीच में आपको मौका जरूर देगी कि हाई साइड पर गैप के साथ ओपन हो और फिर आपको प्रॉफिट टेकिंग का मौका देगी, फिर आपको जो है शॉर्ट डिप भी मिल सकती है। तो कोशिश ये करनी है कि हाई साइड पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है और डिप पर जो अच्छे स्टॉक चूज करने हैं। इसके अलावा टेक्निकल तौर पे इंडेक्स जिस तरह से मजबूत है, इसी तरीके से टेक्निकल शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से काफ़ी स्टॉक्स, काफ़ी सेक्टर वाइज स्टॉक्स काफ़ी मजबूत हैं जो न्यू हाई रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ से, और ओवरऑल मार्केट आपकी बेहतर है, मार्केट में किसी किस्म की कोई नेगेटिव या पैनिक सिचुएशन नहीं है। इसके अलावा सेक्टर्स में आप देख सकते हैं ऑटो सेक्टर्स को, इसके अलावा रिफाइनरी सेक्टर्स को, इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर्स आपका अब भी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर ने आज अच्छी रैली ली, कल भी इंशाल्लाह अच्छी रैली बन सकती है लेकिन हाई सेक्टर प्रॉफिट टेकिंग बनती है। इसके अलावा स्टील सेक्टर में गुंजाइश है। ओवरऑल मार्केट में अगर जो आइटम भी देखें टेक्निकल ग्राफ के ऊपर पॉजिटिव है, लेकिन कोशिश ये करनी कि जो आइटम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हों और जिनमें आपको पता हो कि जैसे कि मिसाल है नेटसोल लास्ट वीक से लेकर अब तक 50 रुपये की रिकवरी ले चुका है, 40 से 50 रुपये की रिकवरी यानी कि ले चुका है। इसमें क्या सारा है तो बहुत सारी हुई, जब ये नीचे की तरफ जा रहा था तो क्या सारा ये करने वाले इनको 90 रुपये नजर आता था और अब जबकि ये ऊपर जा रहा है तो अब क्या सारा ये करने वालों को 250 और 300 रुपये भी नजर आ रहा है। लेकिन आपने क्या करना है कि इन बातों पे ध्यान नहीं देना, आपने अपने आप के ऊपर ध्यान देना है और स्टॉपर को फॉलो करना है। जैसे कि नेटसोल 184 के करीब क्लोज हुआ तब आपने 175 का स्टॉपर लगा के रखना है कि अगर 175 ब्रेक हो तो आपने एग्जिट ले लेना है नेटसोल से, अगर 175 ब्रेक नहीं करता तो मजीद न्यू हाई की तरफ होगा। इस तरह से तमाम स्टॉक के ऊपर एक एग्जाम्पल आपको समझाएगी, तमाम स्टॉक के ऊपर जो ज़्यादा बढ़ चुके हैं स्टॉपर को फॉलो करना है। इसके अलावा मार्केट में जो स्टॉक्स है अब भी इनमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है और बेहतरीन रिकवरी करते हुए नजर आएंगे, जैसे कि होंडा कार ने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट में 70 से 80 रुपये की रिकवरी की है। देखिए इसी तरीके से बहुत से स्टॉक है जिनमें रिकवरी एक्सपेक्टेड और स्टॉक्स आपके बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो अच्छे स्टॉक चूज करें, बाय ऑन डिपिट स्ट्रैटेजी पे रहें, हाई सेट पर प्रॉफिट टेकिंग करें, स्टॉपर को फॉलो करें, मार्केट का व्यू पॉजिटिव है इंडेक्स के लिहाज से, स्टॉक के लिहाज से। PIA के हवाले से भी अगर देखा जाए तो एक गुड न्यूज़ है कि PIA में भी जो रिपीट के जो केसेस थे उसमें तमाम जो पाबंदियाँ थी वो बहाल हो गई हैं और इंशाल्लाह PIA के लिए भी एक बेहतर न्यूज़ आई है जिसके ऊपर ये परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा ओवरऑल मार्केट और इंडेक्स आपका बेहतरीन मूव करते हुए दिखाएंगे और इंशाल्लाह न्यू हाई रिकॉर्ड करते हुए दिखाएंगे। काफ़ी सारी जो है वो गुड न्यूज़ आना शुरू हो गई है। आपको हमारी वीडियो लास्ट वीडियो याद हो तो इसमें हम ही कहते थे कि पाकिस्तान में गुड न्यूज़ हैं, जब कोरोना वायरस के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, जो न्यूज़ फैलाई जा रही थी उस हवाले से हम मुसलसल कह रहे थे कि ये आरजी है, वक्ती है, शॉर्ट प्रेशर पर शॉर्ट टाइम के लिए। अगर आप हमारी वीडियो के टाइटल्स भी देखेंगे तो वो इसी तरह कहते थे, शॉर्ट प्रेशर पर शॉर्ट टाइम, और जो शॉर्ट प्रेशर में घबरा गए उन्होंने नुकसान किया और जो नहीं घबराए जो होल्डिंग पे रहे आज अल्हम्दुलिल्लाह गुड न्यूज़ का मज़े भी ले रहे हैं और अपने स्टॉक को बढ़ता हुआ भी देख रहे हैं। तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में किसी किस्म की कोई नेगेटिव या पैनिक सिचुएशन नहीं, मार्केट कल भी आपको एक न्यू हाई दिखा सकती है लेकिन वहाँ से आपने स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग देख सकते हैं। तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लाइव इंडेक्स को कवर किया जा रहा है, कवरेज दी जा रही है और इंडेक्स की एक एक मूवमेंट के बारे में बताया जा रहा है। आज भी इंडेक्स की मूवमेंट के बारे में लाइव बताया गया और इसके साथ साथ काफ़ी स्टॉक शेयर किए गए जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टॉक्स ने बेहतरीन परफॉर्म किया। आज भी हमने देखा जाए तो काफ़ी स्टॉक्स की कॉल दी जो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रही, पाकिस्तान सुजुकी मोटर, इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टॉक्स थे जिनकी हमने कॉल दी और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रही। रिफाइनरी में ATRL था जो ATRL ने 248 का हाई लिया, इस तरह की कॉलें हमारे व्हाट्सएप स्पेशल ग्रुप में दी जाती है जिससे क्लाइंट आसानी तरीके से ट्रेडिंग कर लेते हैं और अपनी इक्विटी में इजाफा कर लेते हैं। अगर आप भी चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और एक अच्छी ट्रेडिंग का आगाज, एक अच्छी ट्रेडिंग का सिलसिला स्टार्ट कर सकते हैं। हमें ज्वाइन करने के लिए हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन भावानी, अल्लाह हाफिज़।